married to it. प्रत्युष की भाभी तो नहीं है, कजिन ही सही। हम चाहते हैं कि घड़ोली का पानी आप उसके सर पे डालें। से वादा करती हूँ, आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और ये खुशी मैं बस एक ही इंसान के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो आप है मिस्टर वाले। मैं इंतजार करूँ। चूड़ा भी सज गया है, कलीरें भी बंद गई है, मेहंदी ने भी क्या निखार लाया। अब तो बस इंतजार है सजने सवरने का और फिर फेरे और फिर विदाई। मुझे तो बहुत सारे काम है, लड़की की माँ जो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ प्रणीता। ओके प्रणीता दी, अब चलती हूँ। इंडिया में बहुत अच्छा लगा, इंडिया के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। टेक केयर, ध्यान रखना अपना। अच्छा, थैंक यू। मिस्टर मित्तल, प्रत्युष, सर ये मेरी सर्विसेज के बिल्स हैं। अब तक मैंने जो भी पार्टीज आपके लिए की हैं सर, इसमें उसकी पूरी बिलिंग डिटेल है। सर एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से सर। मिस्टर मित्तल, सोनाली तो चली गई, आप लोगों के लिए ये छोड़ गई है। ये क्या है? चेक, ब्लैंक चेक। ये तो ब्लैंक चेक है। एक्चुअली सोनाली प्रत्युष को बहुत चाहती है, पागलों की तरह चाहती है उसे। मैंने उसे बहुत समझाया, आप लोगों की सच्चाई उसके सामने लेकर आई, लेकिन फिर भी उसका पागलपन प्रत्युष के लिए कम ही नहीं हो रहा है। वो प्रत्युष के लिए सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार, अपना सब कुछ। मैं तो आप लोगों को ये चेक भी नहीं देना चाहती, लेकिन क्या करूं, सोनाली की प्रणीता दी जो है उसकी इच्छा का सम्मान तो करना ही है मुझे। वो तो बेचारी टूट गई जब उसे पता चला कि प्रत्युष उसका कभी नहीं हो सकता।
इसलिए इंडिया छोड़कर जाने पर तुम गई। क्या करूं, मैं उसे रोक भी नहीं पाई। लेकिन जाते जाते उसने सोचा कि उसे प्रत्युष के लिए कुछ करना चाहिए, इसके लिए ये चेक छोड़ गई है। और उसने ये भी कहा है कि प्रत्युष की जितनी उसकी इच्छा है उतनी रकम इसमें भर सकता है। क्या करे, प्यार इंसान से क्या क्या करवाता है। मुझे तो उसका पागलपन देखा ही नहीं जा रहा है। बेचारी तड़प रही है प्रत्युष के लिए। मुझे इस वक्त ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख कर ये कह रही हूँ, गंगा की शादी प्रत्युष से तुड़वाकर सोनाली से कर दीजिए। सोनाली प्रत्युष को बहुत चाहती है, और देखिए वैसे भी आप लोग वालिया हाउस पैसों के लिए आए हैं, राइट? आप लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे और सोनाली को अपना प्यार। बेचारी बहुत टूट गई है, बहुत चाहती है प्रत्युष को। आप लोगों के लिए यही करना ठीक होगा। नहीं प्रणीता जी, अब बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त हम अगर मना करेंगे तो फिर मीरा तो हमें मार ही डालेगी। मीरा तब आपको नुकसान पहुंचाएगी जब उसे पता चलेगा। मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, अगर आप दोनों उस पे फॉलो करो तो। मगर रिश्ता हमने तोड़ा तो? अगर आप मेरा प्लान फॉलो करेंगे तो वालियास को समझ में आ जाएगा कि प्रत्युष सोनाली को चाहता है, और वो गंगा की शादी प्रत्युष से तोड़ देंगे। लेकिन मिस्टर वालिया तो इस रिश्ते से बहुत खुश है, वो ये रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? जब मिस्टर वाला के सामने कुछ सच्चाइयां आएंगी तो वो ये रिश्ता खुद ब खुद तोड़ेंगे। कैसे? मैं बता। वो तो बहुत अच्छा है कि प्रत्युष जीजू उनके पास नहीं है, नहीं तो मूरत मूरत भूल के अभी इन्हें लेके जाएंगे और मंडप में बिठा कर शादी कर लेंगे। बारात आने में अभी कुछ ही वक्त बाकी है। अरे गंगा बेटी जरा। कृष्णा विद्या बाहर चलो, बहुत सारा काम है बाहर। अरे अरे अरे, आज तुझे खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं गंगा, आज तू परियों की राजकुमारी लग रही है। और राजकुमारियां कभी भी किसी के लिए उठती नहीं है, बल्कि बाकी सब लोग राजकुमारियों को सलाम करते हैं। सलाम। पापा प्लीज, जानते हैं पापा, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती है जिनकी शादी उसके साथ होती है जिसे वो चाहते हैं, बहुत सी कम लड़कियां होती हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। पापा आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अगर मेरी जिंदगी एक फेरी टेल है तो उसे लिखने वाले आप हैं। पापा अगर आप नहीं होते तो मैं कभी जान ही नहीं पाती कि मैं प्रत्युष से प्यार करने लगी हूँ। अगर आप पहल ना करते तो आज मैं प्रत्युष के साथ एक नई दुनिया में नहीं जा रही होती। बस बस बस, बहुत कह चुकी है। मैं दुआ करूँगा तू जहाँ भी जाए जो भी करे हमेशा सुखी रहे। मैं आपको कैसे बताऊं मिस्टर वालिया कि हमारी बेटी खुशियों में नहीं तकलीफों की दुनिया में कदम रखने जा रही है। हे भगवान, गंगा की रक्षा कर। चलो चलो जल्दी करो, बारात आ गई।
भाई बारात आ चुकी है और दूल्हे की साली अभी तक नहीं है। एक बार याद रखना, अच्छा खासा नेक ले लो, उसे बिना नेक लिए उसे अंदर नहीं आने देना, खुले बैठा चले जाओ। पीछे सबको, बाकी लोगों को नेक दे रहा है, आपको नहीं, भी नहीं, 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 नहीं। प्रत्युष आ रहा है, ठीक है, आप नहीं जा सकते। पक्का आ रहा है ना वो? हाँ, जरूर जाने दो भैया। वेलकम वेलकम, आइए मिस्टर मित्तल। मिस्टर मित्तल, अरे भाई देखो गंगा भी आ गई, प्रत्युष है कहाँ? प्रत्युष पीछे ही है, बाकी लोगों को नेक दे रहा है, बस अंदर आ जाएगा अभी। मिस्टर वालिया, नेक की रस्म पूरी होने से पहले मैं चाहता था कि आपसे कुछ जरूरी बातें हो जाए। हाँ हाँ जरूर, इसमें इतनी फॉर्मल होने की जरूरत क्या है? आप हमारे संबंधी हैं, जो भी कहना है कहिए। वो हम ये कहना चाहते थे कि आई मीन फेरों से पहले लेन देन की बात हो तो अच्छा होगा। लेन देन? समझ नहीं पा रहे। वैसे भी देखिए फेरों का मुहूर्त निकल जाएगा, फेरे कर लेते हैं, उसके बाद जो भी बात करनी है। फेरों से पहले ही तो बातें होती है मिस्टर वालिया, बाद में नहीं। ऐसी क्या बात है? इतने भोले मत बनिए मिस्टर वालिया, भैया आप बेटी के पिता हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि बेटी को शादी में खुशी से आने वाली जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। हाँ अपनी खुशी से तो हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते ही हैं। हाँ बस यही तो हम जानना चाहते हैं कि आप खुशी से क्या देने वाले हैं। मिस्टर मित्तल, कैसी बातें कर रहे हैं? गंगा वालिया की बेटी है, आज उसकी शादी है, शादी में कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेंशन ना हो, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं मीरा जी। हम बस सीधे सीधे ये जानना चाहते हैं कि गंगा की शादी में हमें पैसा या जेवरात कितना मिलने वाला है। आप बारात को चौकट पर खड़ा करके दहेज की बात कर रहे हैं? दहेज कहाँ मिस्टर वालिया, ये तो आपसी समझ की बात है, खुशी की बात है। खुशी का मामला नहीं, सौदा। देखिए मिस्टर मित्तल, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, कोई सौदा नहीं करना चाहता। आज तक इस घर में कभी भी ना दहेज दिया गया है ना लिया। ठीक है मिस्टर वालिया, फिर हमें भी इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। बाकी चीजें और जेवरा छोड़कर कैश ही हमें 50 करोड़ चाहिए। पैसे बनाने तुम्हारे देवे पैसों से हमारा क्या होने वाला है? इनसे बात करने की जरूरत नहीं है मीरा, 50 करोड़ तो क्या मैं 50 रुपए भी नहीं दूंगा। फिर ऐसे हालात में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। जैसे आप चाहें।
क्या कर रहे हैं आप? अच्छी तरह से जानता हूँ, आज ये लोग भेज की बात कर रहे हैं, कल मेरी बेटी को वापस महके भेजने की बात, परसों डिवोर्स की बात भी कर रहे हैं। लेकिन कंगना ने शादी का जोड़ा पहन लिया, सारी रस्में हो चुकी है और दुनिया क्या कहे? दुनिया की परवाह नहीं है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को ऐसे घर कैसे भेज सकता हूँ? अगर मैंने अब तक फैसला नहीं लिया से शादी करने का फैसला मेरा था, और अगर ये शादी टूटती है तो पहले मैं सतीश से बात करूंगी। मुझे पता है कि प्रत्युष ऐसा नहीं कर सकते, वो इतने लालची नहीं है ना। जो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है प्रत्युष को इस बारे में पता भी नहीं होगा। देखो बेटा, इस मामले में प्रत्युष को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, जब तक प्रत्युष मेरे सामने नहीं बोलते कि उन्हें तुम्हें चाहिए, ये बात नहीं मानी। मेरे हिसाब से गंगा ठीक है, गंगा की शादी मिस्टर और मिसेस मित्तल से नहीं प्रत्युष से हो रही है। प्रत्युष की राय जानी इस मामले में बहुत है। हाँ तो फिर ठीक है, बुलाइए प्रत्युष को, सब कुछ आमने सामने हो जाएगा, बुलाइए। सोनाली ये मुझे कहाँ लेकर जा रही है? चलो तो सही प्रत्युष, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओ सोनाली, आई कांट बिलीव कि हम एक होने जा रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे एक पल ऐसे ही लगा था कि मेरी शादी गंगा से हो जाएगी। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड कि मैं बारात से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और हमारी शादी हो गई। अब प्लीज मेरी आंखों की पट्टी निकालो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी आवर ड्रीम हाउस, प्लीज लेट मी सी। ओके बाबा, आई विल आई एम इक्वली पट्टी समझो खुल ही गई प्रत्युष। खुलने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉकिंग सरप्राइज मिलेगा। Oh sweetheart, that's the reason I love you so much. जीवन छेड़े प्यार।